पेपर से पहले मैंने मतलब टीचर से जो पूछा था कोचिंग वाले से, तो उन्होंने ये बताया था कि ऐसे बीच में जो मेन की पॉइंट है, की वर्ड है, उसको मतलब काले पेन से या अलग पेन से हाईलाइट कर दूँ, तो जिससे मतलब टीचर जब एक नज़र में देखेगा, कॉपी चेक करेगा, उसको इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक शब्द पढ़े, तो जो मेन की वर्ड अगर उसको पढ़ेगा तो उससे वो अंदाज़ा लगा लेता है कि मतलब कैसा लिखा है। तो यही था कि मतलब जो की वर्ड थे उसको मैंने मतलब काले पेन से मतलब बीच बीच में यूज किया उसका। और जैसे जीवन परिचय है, तो जीवन परिचय में एक मतलब बॉक्स बनाया उसमें सब, जैसे जो मेन मेन है जन्म मृत्यु और रचनाएँ वगैरह या कोई सम्मान मिला है तो वो बता दिया। मतलब शॉर्टली अगर टीचर सिर्फ वो देख लेगा कि हाँ इसको पता है, और तो वो मतलब शुरू का मतलब ऊपर से मतलब देखते हैं, लेकिन मतलब उनके एक नज़रिया बदल जाता है कि इसके अंदर मतलब उस कॉन्टेंट है, और रचनाएँ वगैरह तो मतलब हाईलाइट कर दी, तो इस तरीके से यूज किया।